नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ की दीवार पर चढ़ते ये पर्वतारोही। दरअसल देश में पहली बार बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ITBP ने रविवार को इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया। इस कार्यक्रम में 13 टीमों के 100 से ज्यादा पर्वतारोहियों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतियोगिता का आयोजन लद्दाख माउंटेनियरिंग गाइड एसोसिएशन के सहयोग से किया गया था। ITBP ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में लद्दाख में बर्फ की दीवार पर चढ़ते हुए पर्वतारोहियों की झलक दिख रही है। वीडियो में आप बर्फ पर चढ़ते हुए पर्वतारोहियों को देख सकते हैं। कुल्हाड़ियों की मदद से पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे हैं और कुछ शीर्ष पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। इस कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर ने भी हिस्सा लिया और इस पहल की तारीफ की। बता दें कि ITBP एक विशिष्ट पर्वतीय शक्ति है। ITBP का 6 दशकों से भी ज्यादा पुराना इतिहास रहा है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और तब से सेना लगातार देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। सैनिक मुख्य रूप से लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जचेप ला तक 3488 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। वो भारत चीन सीमा के साथ पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाली चौकियों पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।